नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। खाद्य संरक्षा विभाग ने 4 नामी ब्रांड की कंपनियों के अलावा 6 अन्य कंपनियों के पान मसाला और गुटखों को अगमकुआं प्रयोगशाला भेजा जांच के लिए। जांच में पाया गया कि उसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट अच्छी खासी मात्रा में है। मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिसे हम अन्य शब्द में जहर कह सकते हैं, जो शरीर के लिए काफ़ी खतरनाक है। मैग्नीशियम कार्बोनेट एक रासायनिक पदार्थ है जिसका उपयोग नशे के अलावा उस गुटखे को नमी से बचाने के लिए किया जाता ताकि वो लंबे वक्त तक खराब न हो सके। ये एक हैवी मेटल है और इसकी मात्रा शरीर में बढ़ने से इंसान की जान भी जा सकती है, उसका हृदय गति रुक सकता है। इसके अलावा हाइपरटेंशन, डायरिया, तमाम तरह की बीमारियां हो सकती है और ख़ास करके ये इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग कर देता है और ये हृदय की धड़कन को कभी भी बंद कर सकता है। कोरोना में इम्यूनिटी पावर बड़ा प्रचलन में, इम्यूनिटी पावर मतलब कहा जा रहा है कि इस तरीके समझिए कि जिस इंसान के बॉडी में इम्यूनिटी पावर बढ़िया है उसका कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिर्फ कोरोना नहीं, कई ऐसे जीवाणु विषाणु या रोग हैं जिससे आपकी प्रतिरोधक क्षमता जो है इम्यूनिटी पावर वो स्ट्रॉन्ग करती है। लेकिन अगर आप पान गुटखे खाते हैं और मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा अगर आपके बॉडी में है तो आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत कमज़ोर हो जाती है और आप कहीं ना कहीं जो तमाम बीमारियां हैं उसके गिरफ्त में आ जाते हैं। इसके अलावा सीधे मैग्नीशियम कार्बोनेट की संख्या अगर आपके शरीर में बढ़ गई तो कभी भी आपका हृदय गति जो है रुक सकता है, आपका फेफड़ा कमज़ोर हो जाता है। हम आपको बता दें कि अगस्त 2019 में भी एक साल के लिए इसे प्रतिबंधित किया गया था। अगस्त 2020 में जो है इसकी अवधि पूरी हो चुकी है और फिर जिस तरीके से तमाम सैंपल बिहार के अलग जिलों से लिए गए, अलग अलग काउंटरों से लिए गए और जिस तरीके से पाया गया कि अभी भी उसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट मौजूद है जो कि भी किसी भी इंसान के लिए काफ़ी ख़तरनाक है। हालांकि अब आगे की जांच के लिए इसे दिल्ली भेज दिया गया है और अब ये सब बताई जा रही है कि फिर से एक साल के लिए इसे बैन किया जा सकता है। कानून की अगर बात करें तो अगर कोई गुटखा खाते हुए या बेचे हुए पाया जाता है तो खाद्य संरक्षा अधिनियम 2011 के अंतर्गत ये कानून अपराध है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा अगर किसी की मौत होती है तो उसे 7 साल की सज़ा और 10 लाख का जुर्माना हो सकता है। हालांकि बिहार में तो शराबबंदी भी है लेकिन शराब का जो धंधा है वो फल फूल रहा है, लगातार लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। उस तरीके से अगर अगस्त 2019 से अगस्त 2020 तक गुटखे पान मसाले बैन थे तो क्या ये दुकानों में नहीं बिक रहे थे, क्या लोग इसे नहीं खा रहे थे? लेकिन हमारा काम आपको सूचना दे देना है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट जैसे खतरनाक जहर अभी भी इसमें मौजूद हैं और ये आपको कहीं ना कहीं इसकी खासियत है, जब मैग्नीशियम कार्बोनेट का उपयोग आप करते हैं पान गुटखे मसाले के रूप में तो ये आपको नशे की आदत लगा देता है और आप बार बार इसे लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं और ये आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर को कमजोर कर देता है और हृदय जो गति है उसको भी ये रोक सकता है, साथ ही साथ तमाम तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इस तरीके से आप देख रहे थे वेब समाचार। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, उस खामियां दिख रही हो तो कमेंट के जरिए बताएं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।